नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। अब बहुत दिनों पहले मुझे रिक्वेस्ट आ गई थी, लेकिन अब तक मुझे मैं इंफॉर्मेशन ही निकाल रहा था, बिकॉज एक डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। एक्चुअली फार्मा होलसेल में कितने तरीके के डिस्ट्रीब्यूटरशिप होते हैं। एक तो होती है आपकी एलोपैथिक होती है, देन आयुर्वेदिक, देन जेनेरिक, देन सर्जिकल एंड देन होम्योपैथिक और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एंड देन पेट केयर। इतनी तरीके की डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है, लेकिन ये एक अलग सेगमेंट है जो है वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूटर। अब वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप देखेंगे एज अ रिटेलर अगर आप जाएंगे या फिर एज अ डॉक्टर भी अगर आप देख रहेंगे तो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर होते नहीं है इसके। तो क्यों नहीं होते, क्योंकि इसके पीछे क्या राज है और साथ में इसमें अगर बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट क्या लगती है और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें चैलेंजेस क्या है, तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रीजन है कि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूटर इतने ज्यादा क्यों नहीं रहते, तो इसमें सबसे हाई इन्वेस्टमेंट है। देखिए एलोपैथिक के डिस्ट्रीब्यूटरशिप या आयुर्वेदिक की, जो जेनरिक की, मैंने जो भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप बताया वीडियो के स्टार्ट में, तो वो स्टार्ट करने के लिए आप 5 या 6 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इवन अगर आप करना ही चाहें तो 1 लाख या 2 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि उसमें इन्वेस्टमेंट आपको इमिडिएटली बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वैक्सीन में ऐसा नहीं है। देखिए एक फर्क समझते हैं, सिंपल मैं बताता हूँ। एलोपैथिक में आप अच्छे से अच्छी कंपनी ले लेंगे, एबॉट, सनोपी, ग्लैक्सो, ग्लेनमार्क, टोरन फार्मा, इंटास, डॉक्टर रेड्डीज, अल्केम, सिप्ला, जितनी भी कंपनीज है, टॉप 10 कंपनीज अंडरकटिंग में लेंगे, स्टार्ट कर देंगे, तब 5 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सर्जिकल में भी जो अच्छी कंपनी टॉप रनिंग है, डॉक्टर मॉर्फिन, फ्लेमिंगो, विस्को, मतलब इसमें से भी और भी अच्छी कंपनीज है, इसके साथ आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, जेनेरिक्स, जो भी है, आप 4 लाख 5 लाख से स्टार्ट करके बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। आपकी जो भी आपके इन्वेंट्रीज है या फिर मैन पावर है, ये आपके अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। लेकिन वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा नहीं है। वैक्सीन में होता क्या है, देखिए वैक्सीन एक तो कंपनी से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती है और डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट जाती है डॉक्टर के पास। यहाँ पे इंटरलिंक बिटवीन कोई भी नहीं है। रिटेलर्स भी वैक्सीन नहीं लेते, क्योंकि वैक्सीन क्यों लेंगे, डॉक्टर तो खुद रख रहे हैं सारे डॉक्टर्स। और मोस्टली कौन से डॉक्टर रखते हैं, जो पेडियाट्रिक है और जो गायनेकोलॉजिस्ट है, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी, मतलब जो डॉक्टर है कैटेगरी के उस वही रखेंगे, दूसरे नहीं रखेंगे। तो ओपन मार्केट इतना बड़ा है नहीं ऐसे कैलकुलेट किया जाए तो एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन। लेकिन अब बात करते हैं कि अब इसमें फर्क क्या है। तो देखिए वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूटर में वैक्सीन, एक वैक्सीन लगभग 3,000 या 4,000 की होती है, 2,000 की तो कम से कम होती है। तब अगर आपने देखिए 10 तरीके की कंपनी है, 10-12 कंपनीज है ओवरऑल वैक्सीन में, उसमें से टॉप कंपनी फाइजर है, ग्लैक्सो है, भारत सीरम है, भारत बायोटेक है, उसके बाद सनोफी है, ये कंपनीज टॉप रहेंगे, इसके मोर ऑफ द वैक्सीन चलते हैं सारे इंडिया में, इंडिया की बात कर रहा हूँ, पैन इंडिया की। तब इसके वैक्सीन लगभग 2 या 3 हज़ार के, तो आप कितने वैक्सीन लेंगे। हर कंपनीज के तरीके के वैक्सीन होते हैं। तो अगर आप स्टार्ट करेंगे तो कम से कम आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी, मतलब आप में एलोपैथिक में स्टार्ट करेंगे तो कम से कम 2-2 बॉक्स या 10-10 बॉक्स रखेंगे तो वैल्यू कम होती है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू बढ़ती है ऐसे। और साथ में यहाँ पे स्टोरेज भी लगता है, ऐसा नहीं है कि आप एक जो भी रिक्वायरमेंट है होलसेल की 15 स्क्वायर मीटर की रिक्वायरमेंट है ना, तो इसके इसमें आप सिर्फ एक फ्रिज ही रखना है आपको और सारे मेडिसिन रैक में रखने। वैक्सीन में ऐसा नहीं है, आपको स्टोरेज कूलेंट पूरा रखना पड़ता है, यहाँ पे कोल्ड चेन स्टोरेज मेंटेन करना पड़ता है। तो चलिए आगे जाके मैं आपको इसके बारे में और भी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं अगर आपको स्टार्ट ही करना है तो क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर। अब डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली होलसेल में जो लगते हैं वही वहाँ पे लगते हैं, 20-21B के ही यहाँ पे शेड्यूल्स के परमिशन लगती है आपको, ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन कोल्ड चेन स्टोरेज की अलग से परमिशन लगती है आपको। तो ये आपको इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंटेशन की, तो नॉट ओनली डॉक्यूमेंटेशन चैलेंजिंग पार्ट है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट बात आती है आपने आपको कंपनी से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना। अब डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप कंपनी देती है क्या, तो इसका आंसर है नहीं।
डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप कंपनी नहीं देती, क्योंकि कंपनी का क्या होता है कि हर एक एरिया में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप रखी हुई होती है। और अगर इवन इन एलोपैथिक में भी आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं ले सकते, लेकिन आप एक डिस्ट्रीब्यूटर से ट्रेड कटिंग में या अंडर कटिंग बोलते हो उसको स्टॉक ले सकते हैं। यहाँ पे वैक्सीन में ऐसा होता है क्या? 90% होता नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है, मान लीजिए सर्जिकल जैसा बिजनेस है, आपको डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर या हॉस्पिटल के पास नर्सिंग होम्स जो रहते हैं वहाँ पे जाके आपको बोलना है कि ये हमारे पास वैक्सीन है, ये आप लीजिए। मतलब आप एक सेल्समैन का काम करना है यहाँ पे। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इनके रहते हैं, लेकिन वहाँ से ऑर्डर ज़्यादा जनरेट नहीं होती, आपको यहाँ पे डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास और डॉक्टर जाने के बाद आपको ऑर्डर दे देंगे, ठीक है। अगर देखिए आपके पास 10 कंपनीज है, ठीक है, 10 कंपनीज के अलग अलग वैक्सीन है, ठीक है, तो आपको 3000 की एक वैक्सीन है। अगर आपने 3 डॉक्टरी पकड़ ली, हर डॉक्टर ने 200-300 वैक्सीन ले ली, कितना 1000 वैक्सीन गए, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी गई? देखिए 30 लाख इन्वेस्टमेंट यहीं पर ख़त्म हो गई आपकी। तो इस तरीके से आपको ये बल्क परचेस करना पड़ता है एक तो, और स्मॉल परचेस में भी इतनी वैल्यू होती है। मतलब आप समझ लीजिए आपको हर एक कंपनी की वैक्सीन रखनी है जो जो चलती है, तो आपको कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और ट्रेड कटिंग में एक तो मिलता नहीं, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको बहुत जगह पर घूमना होगा, ठीक है, लाइक अलग अलग तरीके के दिल्ली मार्केट, मुंबई मार्केट, या फिर अलग गुजरात का मार्केट, इस तरीके से थोड़ा मार्केट देखना होगा और कोई अंडरकटिंग में देता है क्या, ये देखना होगा। लेकिन फ्रैंकली टू स्पीक कि मैं जो इस एरिया से बिलोंग करता हूँ पुणे से, यहाँ पे अंडरकटिंग होता ही नहीं है, 90% होता नहीं है। कोई करता है तो वो भी बाहर से स्टॉक लेके आता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कंपटीशन है। देखिए मैं किसी को अंडरकटिंग दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या, वो भी उसी हॉस्पिटल में जाएगा जहाँ पे मेरा कोई तो पहले से परचेस कर रहा है, इसके लिए यहाँ पे नहीं देते। और एक तो हाई इन्वेस्टमेंट है, आप हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल में दे देंगे, लेकिन इमिडिएटली आपको पैसा मिलेगा क्या, ऐसा नहीं है। सर्जिकल जैसा है, मैंने जैसे कि बताया सर्जिकल एंड जेनरिक जैसा, कि जेनरिक लेकिन वो तो रिटेल में जाता है, होलसेल सर्जिकल भी रिटेल में जाता है, लेकिन ये रिटेल में नहीं जाता, आपको सिर्फ हॉस्पिटल में देना है, और हॉस्पिटल का पेमेंट टाइम टू टाइम नहीं निकलता, थोड़ा टाइम लगता है। मान लीजिए एक हॉस्पिटल में आपने 1 लाख से मिनिमम 1 लाख की ऐसे भी जाती है वैक्सीन, तो वो निकलने में 2 या 3 महीने लगते हैं, तब तक आपके पास पैसा होना चाहिए। तो आपने जो भी पहली ऑर्डर की है, लगभग 30 लाख या 40 लाख की ऑर्डर हो गई, तो आपके पास 1 CR तक फंड रेडी होना चाहिए, तब आप ये बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में मार्केट में क्रेडिट भी रहता है। मैंने देखा है हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, 50-60 लाख तक इनका मंथली क्रेडिट होता है, लेकिन वो खींच खिंचाते नहीं, वो और 1.5-2 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब कहने की बात यही है, इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। मार्जिन की बात की जाए 10% मार्जिन है, लेकिन मार्जिन में भी रेट वार है। देखिए मेरे पास एक वैक्सीन आती है, उसकी MRP है 4000, मुझे मिल रही है 3000 में, मुझे मिल रही है, ठीक है, 3000 में मिल रही है, तो मैं डॉक्टर को 3000 जो मेरा ऊपर का मार्जिन रहता है वो 3500 में दूंगा, लेकिन कोई आके 3400 में भी देगा, कोई 3300 में भी देगा। अब देखिए यहाँ पे रेट वार है, डॉक्टर जिससे अच्छा रेट मिल रहा है वही लेगा। इसकी एक्सपायरी की बात की जाए तो लगभग 2 साल की इसकी एक्सपायरी रहती है, लेकिन रेट वार है, इसके लिए जो अच्छा रेट देगा वही से परचेस करेगा। सर्जिकल जैसा ही है, लेकिन सर्जिकल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है, और कंपटीशन इसमें इतना बड़ा नहीं है। मैंने जैसे बताया कि अंडर ट्रेड कटिंग ज़्यादा नहीं चलता, कंपटीशन बड़ा नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट हाई है। तो अगर आप हाई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इस बिजनेस में अपनी मोनोपोली भी क्रिएट करना चाहते कर सकते, लेकिन इन्वेस्टमेंट की तैयारी आपकी होनी चाहिए, कनेक्शन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको एक अच्छी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूटरशिप बना के आपका ये बिजनेस अच्छी तरीके से चल सकता है। देखिए कोल्ड चेन यहाँ पे लगती है, तो कोल्ड चेन में आपके 3 या 4 लाख तक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जाती है। साथ में अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो कूलिंग, तब तक ये ट्रैवलिंग तक मेंटेन करना पड़ता है, कूलेंट्स लगते हैं इसके लिए। मतलब यहाँ पे हर एक जगह पे प्रिकॉशन 100% है, और वो मेंटेन करनी ज़रूरी है, तो इस चीज़ों पे खर्चा होता है आपका। और देखिए अगर आपने शुरुआत स्टार्ट कर ली,
आप अच्छा है स्टार्ट कर लीजिए, आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, बट अगर आपने स्टार्ट कर लिया तो आपको अंडरकटिंग में स्टार्ट करना पड़ेगा। कैसे भी अंडरकटिंग में मिला तो अंडरकटिंग वाले, अंडरकटिंग को जो स्टॉक देते हैं वो डायरेक्ट कंपनीज के होती है, कंपनीज से कुछ प्रोडक्ट्स को स्कीम होती है, लाइक 10% 20% इवन 30% भी स्कीम होती है, लेकिन वो ट्रेड कटिंग में ज़्यादा नहीं देते। ऐसा नहीं है कि एलोपैथिक जैसा जो कंपनी की स्कीम है वही आएगी, ऐसा नहीं। यहाँ पे आपको स्कीम मिल भी सकती है, मिल भी नहीं सकते, डिपेंड है आपके डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर जो स्कीम दे रहा है वो कैसे दे रहा है, तो वो इसमें कॉम्पिटिशन है। फिर डॉक्टर्स के यहाँ भी कॉम्पिटिशन है, इन्वेस्टमेंट भी तगड़ी लगती है। तो ये चैलेंजेस है, इस तरीके से आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपकी जगह नॉर्मली 15 स्क्वायर मीटर जो होलसेल की है वही लगेगी, डॉक्यूमेंटेशन मोस्टली वही लगेंगे, कोल्ड चेन के लिए अलग से आपके पास परमिशन लगेगी, और उसके बाद मैन पावर आपकी होनी चाहिए, लेकिन मैन पावर इतनी भी ज़रूरी नहीं, जहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट से हॉस्पिटल में वहीं पे आपको डिलीवरी करने यही मैन पावर लगती है। बाकी आप हर एक एरिया में भी कर सकते, एरिया एक्सपांड भी कर सकते, नॉट एन इश्यू। देखिए एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, अब देखिए कोवैक्सीन जो रही आप अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल रहे हैं, ठीक है, कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक की, अगर डॉक्टर्स को लेना है तो डॉक्टर डायरेक्टली ले सकते हैं, एक फॉर्म भरना पड़ता है इंटरनेट पे, गवर्नमेंट्स को सबमिट करना पड़ता है, वहां से डायरेक्टली वो परचेस कर सकते। कोवैक्सीन आती है 1400 की, उसकी रेट प्राइस है 1050, मतलब ऑलमोस्ट 350 रुपये डॉक्टर को बचते हैं। तो इस तरीके से मार्जिन हेल्दी है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स को भी 30 लाख तक इन्वेस्ट मिनिमम करने पड़ते हैं, तभी कंपनी उनको वैक्सीन दे सकती है। तो ये सारी चीज़ें, मार्जिन है, बिजनेस है, बट यू नीड अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगता है ना, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ में हमने इस पे एक पूरा डिजिटल कोर्स बनाया होलसेल पे, जो एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, सर्जिकल, जेनेरिक्स, एफएमसीजी, सारे होलसेल किस तरीके से कर सकते हैं ये मैंने कवर किया, तो वो अगर कोर्स लेना है तो उसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बहुत ही वैल्यूएबल कोर्स है, अगर फ्रेशर है आप करना चाहते हैं, आपका बिजनेस चल नहीं रहा, तभी भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपकी बहुत मदद करेगी आपका सेल ग्रो होने में। सो आई होप ये वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।